की बातें करती है, लेकिन यहाँ लड़की का हत्या हो रहा है इस पर सरकार की कोई बात ही नहीं है, कोई कदम ही नहीं उठता है। इसीलिए आज तमाम सीतामढ़ी के युवा कैंडल मार्च लेकर यहाँ पर सारे के सारे उतरे हुए हैं सड़क पे और सड़क पे बैठ कर धरना किए हुए हैं। डेली बेसिस पे हमारे हमारे देश में 114 रेप केसेस होते हैं। बेटर एंड स्ट्रॉन्ग लॉ, एक ऐसा सख्त कानून बना दे आंदा ना हो, कानून ना होने के कारण ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि हम लोग बहुत सुने हुए हैं जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड, अगर हम जस्टिस देने में देर करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द ऐसा कानून बनाए जिसको जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाए, ऐसे करने वाले हम यही कहना चाहते हैं। एक फैसला सुनने में सब जगह वाले हर एक के साथ लगता है और डेली बेसिस पे 114 केसेस आते हैं हमारे देश में। ना जाने कितनी बेटियां मरेंगी। बंगाल की घटना भारत के कोने कोने में लगातार घटती जा रही है, लेकिन सरकार का इस पर कोई नजर नहीं है। दरअसल इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार की नजर जरूर पहुंचेगी इस घटना पर और मुजरिम को खोज कर इन लोगों की जो इच्छा है कि लाल किले का फांसी देना चाहिए, आखिर उसको फांसी मिले। हर वक्त भारत के किसी न किसी कोने में भारत की कोई ना कोई मीडिया का रहना होता है और सरकार कुछ दिन ऐसा ही मोर्चा निकलता है, उसके बाद सरकार अपने कान में तेल धर के बैठ जाता है और इस पर एक्शन नहीं लेता है। हम लोग मांगेंगे गिरफ्तारी करें। हमारा जो ये रैली निकालने का एजेंडा बस इतना ही है कि सरकार मतलब बेटी से क्या इतना नफरत कर रहे, सख्त से सख्त या कठोर कानून कहीं नहीं बना। ये सीता जी की धरती है, माँ गांधी की धरती है। ये चला हर जगह की महिलाओं का उतना ही मतलब मान सम्मान होना चाहिए।